हेलो फ्रेंड्स, आज YR/18 लाया है टीम कोक की पेपर बेचने से लेकर एप्पल के सीईओ बनने तक की कहानी। आज एप्पल की बागडोर टीम कोक के हाथों में है। हाल ही में उन्होंने अपना सबसे पावरफुल आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस लॉन्च किया है। आज हम आपको उन्हीं के जीवन की कुछ अनजान बातें बता रहे हैं। शायद आपको पता न हो, टीम कोक ने टीनेज में पेपर बेचे हैं। उन्होंने अपने होम स्टेट अलबामा के पब्लिकेशन द प्रेस रजिस्टर के पेपर बेचे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी माँ के साथ फार्मेसी में काम भी किया है। पढ़ाई के साथ काम, कुक पढ़ाई के दौरान एक कंपनी में पार्ट टाइम काम करते थे। उस कंपनी का स्टाफ धीरे धीरे कंपनी छोड़कर चला गया। इस मौके पर टीम ने कंपनी के प्रेसिडेंट की मदद की और उनके साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाया। वे इंजीनियर बनना चाहते थे, इसीलिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। छोटे से शुरुआत, कुक ने जब पहली कंपनी ज्वाइन की तो उन्होंने ऑफिस में अपने लिए एक छोटा सा कॉर्नर बनवाया। पहले तो लोगों को अजीब लगा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ऊपर तक पहुंचने के लिए छोटे से ही शुरुआत की जाती है। उन्हें बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ बनने के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। कुक हमेशा अपने कर्मचारियों से बात करते हैं, उनसे कई सवाल पूछते हैं। वे देर तक सवाल पूछते हैं जब तक उन्हें मन माफिक जवाब नहीं मिल जाए। वे अपनी माँ से तब भी बात करते थे जब वे कंपनी के काम से दुनिया भर में घूमते थे। यह बात भी सही है कि उनके पेरेंट्स कभी कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते थे। कर्मचारियों के साथ खाना, कई सालों तक किराए के मकान में रहे जहाँ एसी भी नहीं था। यहाँ तक कि वे अपने कपड़े भी सेल से ही खरीदते थे। कंपनी के सीईओ होने के बावजूद में लंच अपने कर्मचारियों के साथ एप्पल के कैफेटेरिया में ही करते थे। फेल होने का डर नहीं, टीम को कभी भी फेल होने का डर नहीं था। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, यदि मैं अपने काम में फेल होता हूं तो मैं अपने काम की शुरुआत एक बार फिर नए सिरे से करूंगा। वे बहुत ही छोटे परिवार से थे। उनके पिता शिपयार्ड में काम करते थे और माँ घर पर रहकर परिवार की देखभाल करती थी। सबसे ज्यादा सैलरी, दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी के सीईओ बनने के बाद वे दुनिया के ऐसे पहले सीईओ बने जिन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। 1988 में जब उन्हें एक एजेंसी ने एप्पल के लिए जॉब ऑफर किया तो उन्होंने बात ही नहीं की थी, लेकिन एप्पल के पहले सीईओ स्टीव जॉब्स से बात करने के बाद उन्होंने 5 मिनट में अपना जॉब छोड़ दिया और एप्पल को ज्वाइन कर लिया। सेहत का ख्याल, 1996 में कुक काफी बीमार हो गए। इसी दौरान उनको लगा कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साइकिल चलाना, जिम जाना शुरू किया। इन सब के बावजूद अपने काम पर पूरा ध्यान दिया। वे अपनी दिनचर्या का पूरी तरह से पालन करते हैं। वे सुबह 4:30 बजे उठते हैं और इसी समय अपने काम से संबंधित ईमेल भी करते हैं। काम पर भी वे सबसे पहले पहुंचते हैं। संडे रात को भी वे टेलीफोन पर पूरे हफ्ते की प्लानिंग करते हैं। कभी कभी सहमत नहीं होते। टीम सैमसंग के काम करने के लिए कंपनी के निर्णय से कभी सहमत नहीं थे। एप्पल कई सारे पार्ट्स सैमसंग से लेता है। कंपनी ने एप्पल के मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन और आईपैड को सप्लाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शादी क्यों नहीं की? कुक आज भी अकेले हैं क्योंकि उन्होंने आज तक शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे भी नहीं है। इसी कारण उन्हें गे कहा जाता है। उन्हें अमेरिका का सबसे प्रभावशाली गे माना जाता है। आउट मैगजीन ने अमेरिका के टॉप पावरफुल लोगों की लिस्ट पब्लिश की, जिसमें वे अमेरिका के सबसे ज्यादा प्रभावशाली गे लोगों में शामिल थे। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज YR/18 लाया है टीम कोक की पेपर बेचने से लेकर एप्पल के सीईओ बनने तक की कहानी। आज एप्पल की बागडोर टीम कोक के हाथों में है। हाल ही में उन्होंने अपना सबसे पावरफुल आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस लॉन्च किया है। आज हम आपको उन्हीं के जीवन की कुछ अनजान बातें बता रहे हैं। शायद आपको पता न हो, टीम कोक ने टीनेज में पेपर बेचे हैं। उन्होंने अपने होम स्टेट अलबामा के पब्लिकेशन द प्रेस रजिस्टर के पेपर बेचे हैं।
इसके अलावा उन्होंने अपनी माँ के साथ फार्मेसी में काम भी किया है। पढ़ाई के साथ काम, कुक पढ़ाई के दौरान एक कंपनी में पार्ट टाइम काम करते थे। उस कंपनी का स्टाफ धीरे धीरे कंपनी छोड़कर चला गया। इस मौके पर टीम ने कंपनी के प्रेसिडेंट की मदद की और उनके साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाया। वे इंजीनियर बनना चाहते थे, इसीलिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। छोटे से शुरुआत, कुक ने जब पहली कंपनी ज्वाइन की तो उन्होंने ऑफिस में अपने लिए एक छोटा सा कॉर्नर बनवाया। पहले तो लोगों को अजीब लगा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ऊपर तक पहुंचने के लिए छोटे से ही शुरुआत की जाती है। उन्हें बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ बनने के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। कुक हमेशा अपने कर्मचारियों से बात करते हैं, उनसे कई सवाल पूछते हैं। वे देर तक सवाल पूछते हैं जब तक उन्हें मन माफिक जवाब नहीं मिल जाए। वे अपनी माँ से तब भी बात करते थे जब वे कंपनी के काम से दुनिया भर में घूमते थे। यह बात भी सही है कि उनके पेरेंट्स कभी कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते थे। कर्मचारियों के साथ खाना, कई सालों तक किराए के मकान में रहे जहां एसी भी नहीं था, यहां तक कि वे अपने कपड़े भी सेल से ही खरीदते थे। कंपनी के सीईओ होने के बावजूद वे लंच अपने कर्मचारियों के साथ एप्पल के कैफेटेरिया में ही करते थे। फेल होने का डर नहीं, टीम को कभी भी फेल होने का डर नहीं था। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, यदि मैं अपने काम में फेल होता हूं तो मैं अपने काम की शुरुआत एक बार फिर नए सिरे से करूंगा। वे बहुत ही छोटे परिवार से थे। उनके पिता शिपयार्ड में काम करते थे और माँ घर पर रहकर परिवार की देखभाल करती थी। सबसे ज्यादा सैलरी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी के सीईओ बनने के बाद वे दुनिया के ऐसे पहले सीईओ बने जिन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। 1988 में जब उन्हें एक एजेंसी ने एप्पल के लिए जॉब ऑफर किया तो उन्होंने बात ही नहीं की थी, लेकिन एप्पल के पहले सीईओ स्टीव जॉब्स से बात करने के बाद उन्होंने 5 मिनट में अपना जॉब छोड़ दिया और एप्पल को ज्वाइन कर लिया। सेहत का ख्याल, 1996 में कुक काफी बीमार हो गए। इसी दौरान उनको लगा कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साइकिल चलाना, जिम जाना शुरू किया। इन सब के बावजूद अपने काम पर पूरा ध्यान दिया। वे अपनी दिनचर्या का पूरी तरह से पालन करते हैं। वे सुबह 4:30 बजे उठते हैं और इसी समय अपने काम से संबंधित ईमेल भी करते हैं। काम पर भी वे सबसे पहले पहुंचते हैं। संडे रात को भी वे टेलीफोन पर पूरे हफ्ते की प्लानिंग करते हैं। कभी कभी सहमत नहीं होते। टीम सैमसंग के काम करने के लिए कंपनी के निर्णय से कभी सहमत नहीं थे। एप्पल के सारे पार्ट्स सैमसंग से लेता है। कंपनी ने एप्पल के मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन और आईपैड को सप्लाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।